हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गई हूँ मैं फिर से एक बार आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। तो आज का टॉपिक है प्लास्टिक बॉटल, जो वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं। तो आपको क्या करना है, फ्रिज की बॉटल्स हों, क्योंकि हम जनरली साल भर से ज़्यादा उसे यूज़ नहीं करते हैं, खराब हो जाती हैं। साल भर नहीं तो चलो 2 साल यूज़ कर लिया, उसके बाद हम दूसरी बॉटल्स यूज़ करते हैं। तो वो प्लास्टिक बॉटल्स हों या फिर बाहर से लाई हुई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हों, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम क्या बनाते हैं वो देखेंगे आप हमारी वीडियो में। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बनाते हैं अपना यूज़फुल क्राफ्ट। तो चलिए आइए बनाते हैं। सबसे पहले मैंने ये फ्रिज की बॉटल ले ली है, उस पर मैं ये वॉल पुट्टी का पूरा लेयर लगा रही हूँ, थिक लगाना है। अब कैसे लगाना है ये आप मेरी पुरानी वीडियोज़ में देख सकते हो। फिर ले लिया मैंने ये एक आइवरी शीट, ये आइवरी शीट नॉर्मल शीट से थोड़ा थिक होती है, मोटी होती है। अब उसको तो मैंने ड्राई करने के लिए रख दिया बॉटल को। इस पर नीचे से 10 इंचेस मार्क करना है और इसकी ऊंचाई लेनी है 6.5 इंचेस, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। क्या करना है, ऊपर की साइड से दोनों तरफ से 1.5 इंच 1.5 इंचेस इस तरीके से लेना है, मार्क कर लेना है और ऐसे डायगोनल लाइन खींच लेनी है, ऊपर से भी लाइन खींच लेनी है। अब मैं इसे कट कर लूंगी और इस तरीके के मैंने 2 पेपर कट किए हैं और 2 इससे छोटे साइज के, सिर्फ साइड से कट करना है 2-2 इंच कम। अब मैंने ये साथ में ले लिया रेड कलर का पेपर, वाइट पेपर पे नीचे से ऐसे 3 इंच या 4 इंच मार्क करना, पूरा स्ट्रेट लाइन खींच देना, बिल्कुल ऐसे करते जाना है जैसा मैं वीडियो में दिखाया हुआ है। उसके बाद ये जहाँ पे भी ये पूरा लाइन बनी हुई है और नीचे का जितना भी पार्ट है, जो ब्रॉड वाला पार्ट है, उस पर हम वाइट ग्लू लगाते जाएंगे। देखो इस तरीके से मैं वाइट ग्लू लगाऊंगी और पूरा स्प्रेड करना है, किनारे किनारे पे लगाना है, सिर्फ बीच में नहीं लगाना, स्पॉट्स पड़ जाएंगे। रेड पेपर को इतने पर ही फिक्स करना है। अब बैक साइड से दिया, मेजर किया और इसे कट कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, आप कोई भी पेन ले लेना या फिर आप एक्रेलिक कलर्स ले लेना, उससे आप कुछ भी पैटर्न, कुछ भी डिज़ाइन, जो भी आपको समझ आए वो आप ड्रॉ करते हुए चले जाएंगे। अब देखो जो ये 3 इंच पे या 4 इंच पे मार्क किया था, वो छोटे वाले पार्ट की और बड़े वाले पार्ट की लंबाई मेजर करेंगे और उतना हम कार्डबोर्ड कट कर लेंगे। फिर कुछ भी पैटर्न ऐसा ड्रॉ करके, बीच में तो सर्कल ही लेना है, इस तरीके से हम कट कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, ये तो हमने कट कर लिया, अब हम ये वुडन स्टिक्स आती है ना वो ले लेनी है, उसको बिल्कुल जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरीके से हमें लगाते हुए चलना है। पहले बड़ा पार्ट, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, ऐसे बॉक्स टाइप बना लेना है। अगर आप वाइट ग्लू से भी करोगे तो आराम से आप कर सकते हो, बट थोड़ा टाइम लगेगा उसको इस तरीके से स्टिक करने में। अभी हमारा बॉक्स बन गया, इस पार्ट को हम इसे फिक्स कर देंगे, ठीक है। अब बॉटल पे हम पेंट करना स्टार्ट करते हैं। नीचे वाली पार्ट पर एक छोटा सा होल करेंगे और ऊपर तो है ही ऑलरेडी, देखो पेंट कर लिया। जो भी मनाए आप उस तरीके से कर लेना। मैंने ये जो ऊपर वाला पार्ट बनाया था पेपर से, उससे मिलता जुलता ही पेंट किया। देखो बॉटल के नीचे एक होल किया हुआ है ये वायर, ताकि इसके अंदर से जा सके। अच्छा एक बात और, ये तो आप इस तरीके से चला गया, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपकी बॉटल हल्की है, वेट कम है, तो वायर इंसर्ट करने के बाद में उसमें कुछ ऐसा डाल देना, जैसे छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं वो डाल दो, या फिर मिट्टी वगैरह हो वो डाल दो, जिससे कि वो टिक सके। इस तरीके से मैं इसमें होल्डर फिक्स कर दूंगी।
ये मैंने फॉइल पेपर रोल का छोटा सा हिस्सा कट किया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये बड़ा करना था। उसको मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, होल्डर लगा दिया। अब ये देखो, इस पर भी ना मैंने ग्लू गन से या किसी भी फेविक्विक वगैरह से इसको स्टिक करना है, वरना फिर ये हट जाएगा। इस तरीके से फिर मैंने बल्ब लगा दिया। अब देखिए, हमारी ये टेबल लैम्प बनकर तैयार हो गई है। अब ये कैसी लग रही है, इसको पॉइंट्स आप लोग दीजिएगा। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे क्राफ्ट पर। ये कार्डबोर्ड से 3x3 के 4 सर्कल्स कट कर लिए, 2 को आपस में चिपकाना है और 2 को आपस में। अब 2 में हम सेंटर में होल कर लेंगे, 1 इंच का सर्कल कट कर लेंगे। अब बिल्कुल अलग कर देना है और उनको कट करके आपस में उन दोनों को भी चिपकाना है। अब देखो, ये एक हो गया और ये दूसरा इस तरीके से बनाना है। किसी भी पतले से पेपर की पतली पतली 1 इंच की स्ट्राइप्स कट करनी है, ठीक है। अब इन पर मैंने पेटल्स ड्रॉ करी हैं एक साथ मिली हुई। अब इनको मैं कट कर लूँगी और कट करने के बाद में जब ये पूरा बन जाएगा तो जो दोनों कार्डबोर्ड के सर्कल्स मैंने कट किए थे, बनाए थे, चिपकाए थे साथ में, उनके ऊपर इस तरीके से मैं बना लूँगी। ये लोटस जैसा बनाना है आपको। थोड़ा सा आप प्रेस करके इसको पीछे की तरफ इसके पेटल्स को कर देना है, वरना नीचे रख के नीचे प्रेस करके भी बाहर की तरफ कर देना है। अब देखो, ये कोई भी वेस्ट मैंने ना एक बॉक्स का कैप ले लिया था, उस पर मैंने इसको लगा लिया। अब एक बॉटल लेंगे और जितना पार्ट ये प्लेन है उतने उतने पार्ट को हम कट कर लेंगे, ठीक है, इजीली कट हो जाएगा। ये देखो, ये बीच का पार्ट ना कितना सुंदर सा एक पार्ट निकल के आ गया। मोल्डेड क्ले लेंगे और इसके दोनों एजेस पर हम अब मैं थोड़ा सा वॉल पुट्टी लेती हूँ, 2 चम्मच, बहुत ज़रा सा मैंने फेविकॉल डाला और पानी डाल के पेस्ट बना लेते हैं। बहुत पतला नहीं बनाना, नॉर्मल बनाना है और इसके ऊपर लगाते हुए जाना है। ये तो मैंने वैसे भी कई क्राफ्ट के अंदर बनाया हुआ है, पहले में मैंने ऑलरेडी लगा दिया, अब इस पर मैं सिर्फ लगा कर आपको दिखा रही हूँ। अब हम इस पर लोटस जैसी कलरिंग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा शेडिंग वगैरह करते हैं। देखो, अब मैंने लिया है मोल्डेड क्ले। मोल्डेड क्ले थोड़ा सा लेना है, आप चाहो तो वॉल पुट्टी से भी थिक वाला क्ले बनाकर उससे भी बना सकते हो। ऐसे होल होल करना है और इस पर लगा देना। ये पता है किस लिए है, क्योंकि जब हम इस पर कुछ रखेंगे धूप वगैरह तो वो नीचे से उसका पूरा धुआं उसके अंदर जाएगा, स्मोक जाएगी अंदर। ओके, अब इसका डेकोरेशन कलर सूखने के बाद 3D आउटलाइनर से करते हैं, थोड़ा सा मिरर्स का यूज करते हैं। मैं इसमें मिरर लगाऊंगी।
अब देखिए हमारे सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम फाइनली इसका लुक देखते हैं, ये कैसा लगने वाला है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।